अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ के फिजिकल स्टेट के बारे में। आवर अर्थ इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कि हमारी जो जमीन है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मींस इट फॉर्म्स फ्रॉम द फॉर्म्ड डस्ट एंड गैसेस। कि हमारी जमीन जो है फॉर्म जो बनी है वो वजूद में आई 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो प्राणी है जो पे थी वजूद में, तो वो डस्ट मींस पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के पार्टिकल्स से, सॉइल से मींस मिट्टी से, एंड गैसेस डिफरेंट गैसेस से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीसी, डिफरेंट गैसेस, वेरियस गैसेस से जो है फॉर्म हुई है, मींस बनी है। डेट सराउंडेड द सन। और जो सूरज के गिर्द जो है रिवोल्यूशन करती है। रिवोल्यूशन मींस कि वो प्लेनेट जो होते हैं, जो प्लेनेट जो हमने पढ़ा सोलर सिस्टम के अंदर, 8 प्लेनेट जो हैं सूरज के गिर्द साउंडेड करते हैं, मींस रिवोल्यूशन करते हैं, मींस चक्कर लगाते हैं। तो उसमें जो है 8 प्लेनेट के अंदर जो हमारा जो सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारी अर्थ है वो तीसरे नंबर पे आती है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ। तो अर्थ जो है 365 डेज के अंदर जो अपना जो है एक चक्कर साल में जो एक चक्कर जो सूरज के गिर्द कंप्लीट करती है, तो इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिकेट रॉक एंड मेटल। के जो मोस्टली ज्यादातर जो जमीन का जो पार्ट से जो हिस्सा है वो जो बना है वो सिलिकेट रॉक से बना है। सिलिकेट मतलब पत्थर एक होता है, एक वो सिलिकेट टाइप में होता है जिसका नाम सिलिकेट है, एंड मेटल वो धातु होती है, मेटल जिसमें से करंट जो कंडक्टिविटी थिंग्स हो, जो ऐसी चीजें जिसमें से करंट पास हो जाए और जो सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसको हम बोलते हैं मेटल्स। मींस आयरन, कॉपर, निकल, ऐसे जो धातु होती हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो इसको हम बोलते हैं मेटल्स, जिसमें करंट भी पास हो, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी थिंग एंड मेटल। तो ओवर टाइम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स। के जो अर्थ की जो इंटीरियर होता है वो डिफरेंट लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। तो डू यू नो द नेम्स ऑफ दिस लेयर। क्या आप जानते हैं वो लेयर्स जो इंटीरियर लेयर्स होती हैं उनके नाम क्या हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स। नंबर 1 द इनर कोर, नंबर 2 द आउटर कोर, नंबर 3 द मेंटल, एंड नंबर 4 लेयर इज द क्रस्ट।